राजीव, जो एक सवाल मैंने पूछा उसका, क्योंकि एजेंसियों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसका रीजन है जो मैंने सतीश रखेरा साहब से पूछा कि एजेंसियां कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान नहीं लेती लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं, शायद इसीलिए विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। देखिए, देश में अगर आज बीजेपी विपक्ष में होती और इस तरह की कोई रिपोर्ट आती और देश दुनिया में जो तीसरे धनवान व्यक्ति के तौर पर देश का सिरमौर उद्योगपति बना हुआ था, अगर वो 35वीं या 25वीं जगह पर जाएगा, अगर विपक्ष में बीजेपी होती तो इतनी हमलावर सरकार पर होती, मुझे इसका यकीन है और सबको इसका यकीन हो। लेकिन आपने जो डिबेट की अभी पिछले एक घंटे 45-40 मिनट में, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ना अडानी के बारे में उन्होंने बोला, न उस मसले के बारे में ज़्यादा बोला, और कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ अडानी के मामले को ही बोलते रहे। ये एक ट्रेलर है जो अभी फिल्म के तौर पर 11 बजे संसद में आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, राष्ट्र के खिलाफ अपमान, राहुल गांधी को माफ़ी को लेकर उनसे ज़्यादा हमलावर होने की कोशिश करेगी, संख्या बल भी उसका ज़्यादा है, और कांग्रेस पार्टी बार बार यही बात चाहेगी कि राहुल गांधी बात रखें, अडानी पर चर्चा हो, और अडानी पर चर्चा हो वो तो यही जो अभी हुआ है यही आगे भी होगा। जी सतीश लखेरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप, थोड़ा सा वक्त है जरा सा। हाँ, दो लाइन। आज का मुद्दा राहुल गांधी के विषय को लेकर है, अडानी को लेकर नहीं। मैं अगर आप समय दें मैं उसे ही बोलूंगा। नहीं नहीं, जो मेरे सही मैंने सवाल पूछा, राजीव भी लगातार कह रहे हैं बीजेपी इस पर नहीं बोलती है, बाकी आपने मुद्दा बना लिया है कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, अडानी मामले पर नहीं बोल रहे हैं, जेपीसी पर नहीं बोल रहे हैं, आप बच रहे हैं, यही तो सवाल है। चलिए लखेरा साहब, वक्त नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। तो देखते हैं अब से थोड़ी देर के बाद क्या होता है संसद में, राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, और अगर मिलता है तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक फॉर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।